सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। अभी अभी आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपो वैकेंसी डिपो ने वैकेंसी निकाली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग आता है, तो उसमें रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम है जो उसका आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपो है, मतलब आर्म फोर्स मेडिकल कॉर्प्स ने भर्ती निकाली है। टोटल पोस्ट है जो टोटल पोस्ट में चार हैं। पोस्ट का नाम जो है इसमें पहले तो लोअर डिवीजन कलर का है जो कि 10th 12th बेस पे है, ठीक है। और जो दूसरी बात है वो ट्रेडिशनल मेट है, ट्रेड मैन है, जो कि 10th बेस पे है। और जो ध्यान से देखना आपको ये हेल्प करेगा, एप्लीकेशन मोड जो है ये है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान से देखना ऑफलाइन मोड है। जो जॉब कैटेगरी की बात करते हो उसमें डिफेंस की जॉब आती है। जॉब लोकेशन की बात करते हो जैसे पुणे, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आपका ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होगा, ऑल इंडिया में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिलेगा। ये तो आर्म फोर्सेस हमें एक अच्छी सुविधाएँ प्रदान करता है। जेंडर की बात करते हो, जेंडर जो है इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। अब जो प्रोबेशन पीरियड की बात करते हो तो प्रोबेशन पीरियड इसका 2 साल है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब जो आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो 2 साल तक चलेगी। सिलेक्शन जो होगा उसका रिटर्न होगा एंड ट्रेड टेस्ट होगा एंड फिजिकल होगा ट्रेडमैन के लिए, मतलब जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए रिटर्न होगा। और जो हमारा ट्रेडमैन के लिए टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होता है जिसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं, और फिजिकल होगा। जो फिजिकल किस टाइप से होगा, ट्रेड टेस्ट फॉर टीममेट के लिए फिजिकल कैरिंग, आपको 40 किलो का वेट लेकर 100 मीटर तक 60 सेकंड में चलना होगा या दौड़ना, कैसे भी ना कैसे आपको 100 मीटर पार करना है 60 सेकंड के अंदर, वो भी 40 किलो का वेट लेके, ठीक है। और एक और बात है, 40 किलो का वेट लेकर आपको 30 सेकंड तक एक ही जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए नहीं होती, ये 10th बेस पे निकल जाती है। आप अगर आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से, चाहे आप CBSE बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो ईजीली। ध्यान से सुनना, ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास मांगता है और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है उसके लिए 12वीं मांग रहा है। कि जैसे आप 12th पास हो या 10th पास हो, आप इजीली आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भर सकते हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड चलेगा चाहे। और इंग्लिश में दूसरी बात सुनो, इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट, मतलब आपका एक मिनट में आप किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड पे आप 35 वर्ड ईजिली टाइप कर सको। हिंदी टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दूसरी बात हम देखें कि एज लिमिट क्या है। अब जो एज लिमिट है उसकी 18 से लेकर 27 साल है, 18 से लेकर 27 ईयर्स। पर जो OBC वालों के लिए थोड़ा एक्सटेंड कर दी गई है 30 ईयर्स तक, 18 से लेकर 30 ईयर्स तक वो ईजिली भर सकते हैं। वो जो अब दूसरी बात करते हो एप्लीकेशन फ़ीस की, जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नील है, क्योंकि आर्म फोर्स एक डिफेंस सर्विस है इसलिए वो कोई भी फ़ीस नहीं लेना चाहती, एक भी फ़ीस नहीं है, कुछ भी फ़ीस है वो कोई भी रुपये पे नहीं करने हैं, एक भी रुपये पे नहीं करना, नील फीस है। और जो एप्लीकेशन सेंड एड्रेस है, अब देखो जैसे कि मैंने बोला ये ऑफलाइन फॉर्म है या ऑफलाइन जॉब है, मतलब आपको जो पोस्ट के जरिए आपको ये फॉर्म आपको पुणे भेजना पड़ेगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एप्लीकेशन सेंड एड्रेस, तो जब कमांडिंग ऑफिसर आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपो 20 मानिक शॉ रोड पुणे 411001, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भर भुर के फ़ोटो वोटो लगा के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी होगा आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा, किसी भी पोस्ट के द्वारा आपको इस एड्रेस पे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एप्लीकेशन सेंड एड्रेस, तो आपको वहाँ पे भेज देना है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द पोस्ट ओनली, मतलब सिर्फ आपको पोस्ट के ज़रिए भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन की जगह नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ ऑफलाइन का वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि सिर्फ ऑफलाइन भर्ती है। मतलब आप जो इसमें जो आपको ये फॉर्म भेजोगे आप वो सिर्फ ऑफलाइन भेज सकोगे, मतलब पोस्ट के द्वारा या किसी भी स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट, अब जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, मतलब 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में कभी भी ये भर्ती आ सकती है। और जो लास्ट डेट रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब 14 जुलाई से लेकर अगर 20 जुलाई के बीच में अगर इसकी नोटिफिकेशन आ गई तो उसके 21 दिन बाद आप इजीली 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो फॉर्म है जो ऑफलाइन का पोस्ट का फॉर्म है, तो आपको 21 दिन के अंदर पुणे जो आपके ऊपर स्क्रीन पे एप्लीकेशन सेंड एड्रेस आया था वहाँ आपको 21 दिन के अंदर पोस्ट करना है, ठीक है। सो धन्यवाद। इसी तरह की आप डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब का आपको डिफेंस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के नाम से मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।